वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सिविक 1997 बिल्ड। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि गाड़ी का डेंटिंग का काम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इसका बेस वर्क, दैट मींस हम गाड़ी के पैनल्स को अच्छे तरीके से शेप देंगे और इसे प्राइमर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसे पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इस गाड़ी के इंजन, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब थी। क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने यही फिट समझा कि इसका इंजन जो है स्वॉप करके बदल देना चाहिए और बेटर इंजन इसमें डालना चाहिए। अब इंजन रिप्लेसमेंट का काम हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी शॉप सर्विसेज हैं, तो क्लाइंट ने ऐसा डिसाइड किया कि गाड़ी को मुंबई भेजेंगे और इसमें जो नया इंजन है वो फिट करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले ज़रूरी समझा कि इंजन बे को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं और पेंट कर लेते हैं, ताकि जब इंजन बिठाने की नौबत आए तो अंदर का इंजन बे एरिया एकदम बढ़िया रहे।
अब हम जो गाड़ी पे काम कर रहे हैं उसे हम एज प्रोफेशनल्स बेसवर्क कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने गाड़ी का डेंटिंग पूरा कर लिया। जब भी हम पैनल्स पर डेंटिंग का काम करते हैं उसके बाद पैनल्स पे कई वेविनेस और एंडुलेशंस रहती हैं जिसको कभी भी 100% सही तरीके से शेप नहीं दिया जा सकता थ्रू डेंटिंग। रीफिनिश इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, उस पर बॉडी फिलर और पुट्टी यूज करके फिल करके उसको अच्छे तरीके से शेप देते हैं। जितने अच्छे तरीके से सारी कट्स एंड क्रीसेस लाइंस बनाई जाएंगी जब हम गाड़ी को पेंट करेंगे उतना ही अच्छा फिनिश गाड़ी को आने वाला है। तो टेक्निकली बेसवर्क हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर अगर ठीक तरीके से हमने शेप नहीं दिया या कहीं भी अगर ऑफ हो गया या जो शेप होना चाहिए था वैसा नहीं था, पैनल पर कहीं बल्ज आ गया, तो जब गाड़ी पेंट होगी उसके बाद ये सारे इम्परफेक्शंस दिखेंगे। अच्छे तरीके से पैनल को शेप दे पाना ही एक ऐसी टेक्निक है जो एक एमेच्योर बॉडी शॉप को एक प्रोफेशनल बॉडी शॉप से सेपरेट करती है। यूजुअली जब कोई भी गाड़ी डिसेंट कंडीशन में हमारे पास आती है तो उसका बेस वर्क करने के लिए हम लोगों को एवरेज 3 दिन का टाइम लगता है। मतलब डेंटिंग के बाद से लेके प्राइमर एप्लीकेशन तक बीच का जो पुट्टी फिलिंग एंड सैंडिंग का काम रहता है उसमें 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली जाते हैं। पर इस गाड़ी पर इतना ज़्यादा काम था कि हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन इसमें लग गए बेस वर्क करने में। साथ ही साथ जब गाड़ी पर यूजुअली पेंटर्स काम करते हैं तो 2 से 3 लोग गाड़ी पर काम करते हैं, पर इस केस में हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम ने इस गाड़ी पर काम किया है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 6 महीने कैसे निकल गए इस गाड़ी का काम करते करते। तो जो भी प्रोजेक्ट फुल रिस्टोरेशन के लिए आता है जिसमें पार्ट्स प्रॉब्लम होने वाले होते हैं या फिर गाड़ी का कंडीशन बहुत खराब होता है, हम लोग उसे एक्टिवली परस्यू नहीं करते हैं। ये एक बेसिक बिजनेस प्रैक्टिस है जहाँ पर हम लोगों को एक तरफ रनिंग गाड़ियों पर काम करना पड़ता है, दूसरी तरफ हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं जिन पर टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है, हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वर्कशॉप में 80% गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ आती हैं 15 से 20 दिन में निकल जाती हैं, पर अबाउट 20% गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है फॉर मल्टीपल रीजंस। कभी कभी पार्ट्स प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी गाड़ी का कंडीशन ऐसा होता है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, कभी कभी मैन पावर इशूज़ भी होते हैं। तो जो फुल रिस्टोरेशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूजली टाइम जाता है, और ये टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ जाता है जब गाड़ी पुरानी। अभी जो आप गाड़ी पे स्प्रे होते हुए देख रहे हैं उसे बोलते हैं 2K प्राइमर। रस्ट प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, और जब हम बेस कोट और क्लियर कोट पेंट का अप्लाई करते हैं गाड़ी के ऊपर उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए भी प्राइमर का यूज़ होता है। हम लोगों ने ऐसा सोचा कि गाड़ी मुंबई अब जा ही रही है तो उससे पहले प्राइमर पूरा कर लेते हैं, बॉडी वर्क सारा कंप्लीट कर लेते हैं, बेस वर्क सारा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को मुंबई भेजते हैं ताकि जब गाड़ी वापस आए हमारा काम इतना ही हो कि गाड़ी को सैंड करके पेंट करना है। पर इतना तो मुझे भी पता था कि गाड़ी एक बार मुंबई जाके जब वापस आएगी तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्क्रैचेस या छोटे मोटे डेंट्स आने ही वाले हैं, तो मैंने अपनी टीम को पहले ही बोल दिया था कि इन छोटी मोटी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए पहले तैयार हो जाओ।
सारा सामान हम लोगों ने एक साइड कर दिया, गाड़ी का प्राइमर का भी काम कंप्लीट कर दिया। कस्टमर को हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से, मैंने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की नई गाड़ियों को भी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हुए नहीं देखा जिस तरीके से ये गाड़ी मुंबई गई। हर्षल, वहां से सीधा जाके बैग लेना पड़ेगा, आ जाओ। हर्षल, गाड़ी में देखना स्टेयरिंग है क्या? चालू हो रही है ना गाड़ी? नहीं। हाँ, यहाँ से अंदर लेना है, मैं आपको यहाँ से घुमाने को बोल रहा था और घूम जाएगा ना, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। नहीं, आ जाएगी, आप लो तो पीछे तो लो, चलो यहाँ तो आओ। अभी हो रहे 11:15, डेट है आज 30 मार्च 2022, चालू नहीं है क्या गाड़ी? बाबू बैठ जा गाड़ी में, आ जा, चालू मत करियो। नहीं नहीं, उधर सीधा कर, राइट तरफ। हाँ हाँ, सीधा जा अभी। बस सीधा, ठीक है। हाँ, चल, चल। जाने देना, बस ऐसे ही लगा दे सीधा सीधा। तेरे फोन ही नहीं लग रहा है। सर, गाड़ी ले लिया मैंने, रिसीव कर लिया, उतार लिया गाड़ी, अंदर रखी, मैं आपको वही वीडियो कॉल कर रहा था उसके लिए। कोई बात नहीं, वो लगा नहीं होगा शायद, तो मैंने सोचा आपको एक ऑडियो कॉल कर दूं। अच्छा, ओके ओके, कर रहे सर वीडियो कॉल। हेलो सर, आ गई है गाड़ी, उतार लिए। ठीक है, ठीक है सर, लगी हुई है ना इसमें? जी जी, चाबी है सर, है चाबी है मेरे पास, बस रख लिया गाड़ी अंदर, वो निकल रहा है ट्रक में लेके। ठीक है, यस यस, चलेगा सर। ओके ओके, थैंक यू। गाड़ी जब मुंबई से हमारे पास आई तो इसका इंजन जो है वो स्टार्ट करने के लिए हमें मना किया गया था। आई रियली फील उस टाइम पे कि गाड़ी का काम पूरा करके हमारे पास गाड़ी वापस आनी चाहिए थी, क्योंकि वर्कशॉप में बिना इंजन शुरू किए गाड़ी को आगे पीछे करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसका इंजन ट्यूनिंग का काम भी बाकी था, इंजन का लॉन्ग टर्म टेस्टिंग भी बाकी था। बेसिकली गाड़ी हमें वर्किंग कंडीशन में नहीं मिली, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। इस गाड़ी में जो इंजन अब बिठा के आया था वो था होंडा का 2 लीटर टाइप आर इंजन विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। अब गाड़ी का काम काफी आगे तक आ चुका है, हम लोगों का भी बॉडी का काम हो गया है, इसमें इंजन फिटिंग का भी काम हो गया, कई चीजें बची हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, इस गाड़ी का जो इंटीरियर का काम था, सीट कवर्स वगैरह का, वो क्लाइंट ने आउटसोर्स किया था। अब ये सारा इंटीरियर भी हमारे पास वापस आ चुका था, सीट्स काफी अच्छे बनाए थे, कलर वॉज नॉट माई फेवरेट बट द फिट एंड फिनिश वॉज वेरी गुड, और ओवरऑल मेरी ओपिनियन में सीट्स काफी अच्छे लग रहे थे। जब डिसेंट कंडीशन में गाड़ियां हमारे पास आती हैं तो 15 से 20 दिन हमें लगते हैं गाड़ी रेडी करने के लिए। ये पूरे प्रोजेक्ट ने अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1.5 साल ले लिया। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो बॉडी शॉप के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक प्रपोजल है ऐसी गाड़ियां रेडी करना, क्योंकि वर्कशॉप में बहुत लिमिटेड जगह होती है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं गाड़ियां पार्क करने के लिए और उन पर काम करने के लिए। और जो गाड़ियां बहुत लंबे टाइम तक वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं वो कंटिन्यूस जगह खाती हैं, उसकी जगह दूसरा प्रोजेक्ट लेके हम फटाफट रेडी करके डिलीवर कर सकते थे, पर वैसा हो नहीं पाता। अगर एक गाड़ी मैं 20 दिन के लिए रख रहा हूँ और उस पर मान लो 50,000 रुपये का भी काम कर रहा हूँ, वर्सेस एक गाड़ी अगर मैं 2-3 लाख रुपये का काम कर रहा हूँ और 1 साल रख रहा हूँ, आप में से कोई भी समझ पाएगा कि वो कितना नुकसानदायक प्रपोजल है हमारे लिए। बट ये सारे प्रोजेक्ट्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे पैशन प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक एवरीबडी एल्स, एक आपकी जॉब होती है और एक आपकी हॉबी होती है, दिस इज आवर हॉबी, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि वर्कशॉप प्रॉफिटेबल रहे, काम फटाफट रोटेशन में चलता रहे। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हम ऐसी बना नहीं पाते हैं, बट बीच बीच में हम ऐसे प्रोजेक्ट ज़रूर लेते रहते हैं।
गाड़ी के इंटरनल सेक्शन में रस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं। जब इतना खोल खाल दिया ही है गाड़ी को और सब जगह से अच्छे से पेंट कर ही रहे हैं तो क्यों ना गाड़ी का इंटरनल सेक्शन भी पूरा पेंट कर दे। तो उस टाइम में हमने गाड़ी के पूरे इंटरनल फ्रेम को भी बॉडी कलर में पेंट कर दिया। अगले वीडियो में हम इस गाड़ी का बॉडी पेंटिंग का काम शुरू करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का चौथा एपिसोड हम लोग डालने वाले हैं 18 तारीख को, जो कि होने वाला है वेंसडे। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।